गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज का हमारा टॉपिक जहां तक क्लियर हुआ उसके बाद से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कल का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, कल हम लोग किस किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं, हमारे विकास के मार्ग में आते हैं, विकास जो हम लोग का निरंतर एक गति से चल रहा है उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग का वंशानुक्रम हो सकता है, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में वातावरण हो सकता है, जन्मक्रम हो सकता है, परिवार का आकार हो सकता है, संवेग, लिंग, प्रजाति, इसमें और भी पॉइंट्स है, हम लोग उस पर कल डिस्कस करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे विकास को प्रभावित करने के कारकों में एक कारक हो सकते हैं, ठीक है। कैसे, क्यों ये सारे कारक हम लोग के विकास को प्रभावित कर सकते हैं, इस चीज पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कारण है, किन किन कारणों से ये सारे टॉपिक हैं हमारे विकास को प्रभावित करते हैं, हमारे विकास के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विकास की अवस्थाएं। हमारे विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, यहाँ से हमारा सीटेट का मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से हम जानेंगे कि बालक का विकास किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि बालक का विकास सबसे पहले जो है शैशवावस्था से होकर गुजरता है, जिसको हम लोग 0 से 2 वर्ष की अवस्था कहते हैं। 0 से 2 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था में बालक का विकास कैसे होता है, किस क्रम में होता है, इस अवस्था में बालक में कौन कौन से गुण आते हैं, कौन कौन से गुणों को वो एक्वायर करता है, बहुत सारे गुण होते हैं जो बालक शैशवावस्था की अवस्था में ही प्राप्त कर लेता है, तो उस चीज को हम लोग जानेंगे यहाँ पे। दूसरा हम लोग का टॉपिक है बाल्यावस्था, जिसको हम लोग 2 से 6 वर्ष की अवस्था मानते हैं, लेकिन हम लोग सीटेट की दृष्टि से इसको नहीं जानेंगे। देखिए सीटेट में अगर हम लोग को स्टडी करना है बाल्यावस्था, तो हम लोग इसको 2 भागों में डिवाइड करके, पहला है हम लोग का पूर्व बाल्यावस्था, जिसको हम लोग 2 से 6 वर्ष की अवस्था लेकर चलेंगे, और दूसरा हो जाएगा हम लोग का उत्तर बाल्यावस्था, जिसको हम लोग 6 से 12 वर्ष की अवस्था को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का जो आ जाएगा बाल्यावस्था के अंतर्गत। पूर्व बाल्यावस्था में बालक में कौन कौन से गुण आते हैं, क्या क्या करते हैं, सामाजिक विकास इनमें कैसे होता है, और उत्तर बाल्यावस्था में बालक में कौन कौन से गुण आते हैं, सामाजिक विकास इनमें कैसे होता है, इन सारे टॉपिक पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग आएगा किशोरावस्था, जो कि एक हम लोग का यहाँ पे मैं पॉइंट लिख देती हूँ, किशोरावस्था, ये हम लोग का हो जाता है 12 से 18 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में बालक में कौन कौन से गुण आएंगे, बालक किस प्रकार, बालक का सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास, सारा विकास कैसे होता है, कौन सा विकास बालक को, कौन सी चीजें जो है इस अवस्था में बालक को प्रभावित करती है, वो सारा सब चीज हम लोग इस अवस्था में देखेंगे और जानेंगे। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो कल हम लोग विकास की जो अवस्थाएं हैं, यह अवस्था को शुरू करने से हम लोग को पता चल जाएगा कि शैशवावस्था, पहला हम लोग का टॉपिक शैशवावस्था आएगा, और शैशवावस्था में बालक किन किन गुणों को हासिल कर रहा है, कौन कौन से गुण उसमें आ रहे हैं, ये चीजों का हम लोग डिटेल में कल जानकारी लेंगे, ठीक है। बस यहाँ तक ही हम लोग का है ना टॉपिक, हम लोग इसको जानेंगे, इस टॉपिक को जानने में हम लोग को बहुत विस्तार से जानने में थोड़ा समय लगेगा, इसके बाद ही हम लोग आगे वाले टॉपिक पे मूव करेंगे। तो इतना टॉपिक हम लोग कल के लिए रखते हैं, धन्यवाद।